कि तकरीबन दुनिया के सभी रोग यहाँ पे ठीक होते हैं। मालिक ने अगर इंसान को तकदीर में मौत ना लिखी। बाबा मैं आपका दया से ना बिल्कुल सही होगी, मेरे को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, मैं बिल्कुल सही होगी। ब्रेस्ट कैंसर था? हाँ बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो, मेरी रिपोर्ट आ गया अभी। रिपोर्ट हो क्या ही है? हाँ जी। हाँ जी, आप कहाँ से ही हैं? मैं अलवर से आ रहा हूँ। रिपोर्ट कौन सी, ओके कहाँ पे है? ये है ना सारी चीज लिखा हुआ है टेंट। अच्छा अच्छा, ये एक मिनट। अच्छा ये रिपोर्ट तो बिल्कुल ओके है। हाँ जी। कैंसर कहाँ पे थी आपको? मेरे को था ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ओके है, जबकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया होगा। ऑपरेशन अभी भी बता दी, अभी भी बता रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवा लो। लेकिन हमें बाहर से चार पांच डॉक्टर देखा, उन्होंने बोले कोई जरूरत नहीं तुमको ऑपरेशन, तो बीमारी तो है नहीं, तुमने क्यों ऑपरेशन करोगे? अच्छा बीमारी खत्म हो गई तो ऑपरेशन फिर भी क्यों करना चाह रहे? तो क्यों करने चाह रहे? आप कहाँ से आए हो? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान। अच्छा आप क्या काम करती हो? पढ़ती? हम मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मालती बेहरा। मालती बेहरा। 2003 में, 2003 में मैंने गेम छोड़ दी, मतलब लास्ट मैंने उड़ीसा, मैंने उड़ीसा रणजी क्रिकेट प्लेयर मैंने छोड़ा 2014 में। 2014 में क्यों छोड़ दिया? शादी हो गया 17 में, तो फिर जॉब वगैरह लग गया था, उस टाइम छोड़ दिया था। अच्छा अभी जॉब है? नहीं जॉब छोड़ दिया शादी के बाद, मेरे राजस्थान आ गए ना इस चक्कर में, उड़ीसा का हूँ मैं, उड़ीसा जगन्नाथ। अच्छा उड़ीसा से आप? उड़ीसा से, जगन्नाथ जी से। अच्छा ये आपके हस्बैंड है? आपका क्या नाम भाई? सुमित। सुमित आप सर्विस करते हैं? नहीं मेरा बिजनेस। क्या बिजनेस है? कपड़ों का, बच्चों के कपड़ों का। कपड़ों का बिजनेस। अच्छा मुझे सम्मानित करने के लिए है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी तालियां तालियां। मेरा बेटा भी है, छोटा बेटा अयंश, आ जाओ। ये मिठाई? ये लवर का मिल्क केक। हाँ लवर का मिल्क केक। लवर का मिल्क केक है। केक खिलाएंगे हमें इस खुशी में। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि इतनी दूर से आए हुए पेशेंट हमारे पास ठीक है। खुशी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरा छोटा साल 3 साल का बच्चा था, मैं बहुत ठीक है, बैठ जाओ, अच्छी बात। तो ऐसा है कि दुनिया के बड़े से बड़े रोग यहाँ पे ठीक क्यों होते? क्योंकि जो इंसान किसी भी मामले को पूरा करने की उम्मीद रखता है, और उम्मीद और यकीन दोनों है उसको, यानी अफसर बनने की उम्मीद और यकीन दोनों है, या खरबपति बनने की उम्मीद और यकीन दोनों है, या बीमारी को मिटा देने की उम्मीद और यकीन दोनों है। तो जो इंसान दिल में उम्मीद और यकीन रखता है, उसके दिल की हर आवाज़ को वो एक मालिक सुनता है। करने का दाता एक ही है, वो उसको दिल की आवाज़, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है, रूह अल्लाह एक है, सोल गॉड एक है, तो दिल की हर आवाज़ को दाता सुन लेता है। और दाता ने लिखा धार्मिक ग्रंथों में कि दिल की हर आवाज़ को पूरा करने का मेरा वादा है। उसका वादा हर धार्मिक ग्रंथ में लिख दिया उसने कि मेरा वादा दिल की आवाज़ को मैं पूरा करूँगा, इंसान मुझे माने या ना माने। दिल की आवाज़ पूरी, जैसे वो स्वरूप सिंह है, दिल्ली से आया है, दिल्ली बवाना से, इनको कैंसर थी आज के तकरीबन 10 साल पहले, कैंसर से बिल्कुल बीता हुआ आया था, और सब हड्डियों की तरह जैसे ऐसे लपेट के लेके आए थे, आवाज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाना पीना वगैरह सब कुछ बंद था, 3 महीने से तो कुछ भी नहीं, एक टपका बूंद भी अंदर नहीं गई थी। तो जब मेरे पास आया तो मैंने बेहोश पड़ा था गाड़ी में, तो मैं गाड़ी में ऐसे झुक के ये बोल दिया मैंने, क्योंकि मैं बोलता हूँ ऐसा ही, मैंने झुक के बोल दिया कि भाई 5 साल तक तो इसको कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे बोलने से हो सकता है वो आवाज़ किसी के कान में चली जाए और वो उस आवाज़ को एक्सेप्ट कर ले और उसका दिल बोल जाए है अब नहीं मरूँगा। उसका दिल अगर ये बोल गया कि अब नहीं मरूँगा तो पक्का जी जाता। अब ये 5 साल की इसने सुन ली और वो तारीख लिख ली इसने कि भाई 5 साल तक तो मुझे कोई मारने वाला नहीं, 5 साल के बाद में इसको दोबारा तकलीफ होगी, उसी तारीख को सुबह तकलीफ हुई। जब उसको तकलीफ हुई तो ये उसी दिन गाड़ी लेके मेरे पास शाम को यहाँ पहुँचा, शाम को 3-4 बजे, और वो चाय बनाने वाला उसके पास रोने लगे, बोले बाबा को दिन छिपने से पहले पहले बुला दो,
नहीं तो दिन छिपने से पहले मैंने मुँह पूरा हो जाऊँगा। तो मैंने मेरे घबराहट हो रही है अंदर, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बाबा को जल्दी बुलाओ। तो मैं आया और आगे मैंने कहा कि सरोज सिंह क्या हुआ? बोले बाबा जी 5 साल का टाइम दिया था, आज वो दिन पूरा हो गया। तो कहीं आज मेरी दिन पूरे तो नहीं हो गए? अरे मैं बोला नहीं हुए, चलो 5 साल और देता हूँ। चल यार मेरे बोलने से अगर होता है तो 5 साल और ले ले। 5 साल हो गए बाबा। अब उसने 5 साल और एक्सेप्ट कर लिया, 5 साल के बाद में फिर अभी तकलीफ होगी। कल शाम को आया था, मैं बोले अरे क्या तकलीफ होगी? बोले बाबा जी तकलीफ हो रही है, मको तो नहीं। कल शाम से फायदा क्या? कितना फायदा? आवाज भी सही आ रही है, पहले आवाज भी नहीं थी, आवाज बंद हो रही थी। ले इसको 5 साल का ठेका ही ले रहा क्या? क्या तो बैठ जाओ। स्वरूप सिंह दिल्ली बवाना से हैं, जात के चौधरी हैं। क्यों जाट हो ना? जाट तो कर डाओ है क्यों जी? हाँ अच्छा, अभी मेरे पास ये एक बंदा आया था यहाँ जम्मू से, 15 दिन पहले आया है। इसको डॉक्टर ने कैंसर बता रखी थी, अभी कैंसर इसकी, इसको आराम है शरीर में। कितना आराम है? आधा, खूब आराम। इसको क्या, इसको भी वही पेट में गड़बड़ है। इस बुढ़े को साथ में लिया है दूसरे को, पहले खुद आया था अब दूसरे को लिया है। क्या तकलीफ थी? हरनी हो गई थी जी, हरनिया पेट में। हाँ जी। आराम कितना हुआ? 50 से भी ज़्यादा जी। 50% से ज़्यादा? कहाँ से आए हो? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत में गांव कौन सा है? खास सोनीपत। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को तो पैर की, मेरा पैर काम नहीं कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ था, टांग खराब हो रखी थी। एक्सीडेंट हुआ था? कब हुआ था? दिसंबर में। अभी इस दिसंबर में? 4 दिसंबर को। अभी दिसंबर में 4-5 महीने हो गए। पैर काम नहीं करता था मेरा, चलते टम लंगड़ी चल रही थी। पैर काम करता ही नहीं था? पूरा काम नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से चलती थी। बड़ी मुश्किल से चलती। अभी यहाँ से आने से कितना आराम हुआ? पूरा आराम है। पूरा पूरा टांग बिल्कुल सही है मेरी, एकदम सही। तो आज के पिंड कसूर लेने के लिए आई हो? ये हमारे साथ है, आए मेरे लिए थे, वो आया फिर मारा, वो आप पे दर्द दिया। अच्छा आई थी इसको ठीक करवाने के लिए, और खुद भी ठीक हो गई? खुद भी ठीक हो गई। क्यों जी? आप, आपको क्या तकलीफ थी? कमर में दर्द। कितने साल से था? 1-1.5 साल से। आराम कितना हुआ? पूरा आराम है, मैं पहले से एकदम गायब था, पहले मेरे से उठा भी नहीं जाता, पहले उठा भी नहीं जाता था, अभी दर्द 1 साल से बिल्कुल नहीं है। नाम और निशान गायब हो गया। आप कहाँ से आए हो? गोविंदगढ़ जयपुर जिले से। गोविंदगढ़ जयपुर से। तो आज किसके लिए आए? आज और 2-3 लोगों को साथ ले। और 2-3 लोग साथ में ले गए? वो पहली बार ही आए, बाकी 4 लोग 2-3 बार आ गए। अच्छा ये पहली बार आए? 7 लोग आए। अच्छा तुम्हें क्या तकलीफ थी? पाँव की नस ब्लॉक थी, चला नहीं जाता था। हाँ, बहुत परेशान था पहले। आज ज्यादा फायदा है। तीसरी बार आया हूं। आप कहाँ से आए हो? अपना उत्तर प्रदेश से, यूपी। हाथरस में? हाँ, हाथरस। अच्छा अच्छा, कहाँ से आया हो? आपकी बीबी को लकवा था जी। जुबान भी चली गई थी जी। तो फिर यहाँ याददाश्त भी चली गई थी, यहाँ आने से क्या फर्क पड़ा? आराम है, और लेकर तो मैंने और 5-6 बंदे मेरे साथ में हैं। और 5-6 को लेके आए हो? कहाँ से? जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा सत्थावर। मुजफ्फरनगर से? कस्बा सत्थावर। कस्बा सत्थावर। तो आपकी बीबी कितना आराम हो उनको? आराम तो बहुत है जी, पर जबान में थोड़ा सा फर्क है, जब साथ होगा ये। थोड़ी सी जबान में कमी आ रही है, बाकी चलने फिरने लगी जी। हैं? हाँ जी। और समझने भी लगी, चलने फिरने लगी, किताब नमाज रोजा, नमाज रोजे करने लगी। ये तो बढ़िया कमाल की बात है, तालियां। चलो ठीक, क्या नाम आपका? हाजी मोहम्मद सलमान। अभी मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान जो दिल में उम्मीद रखता है, जुगाड़ उन्हीं के बनते हैं, और जो दिल में उम्मीद छोड़ देते हैं उनके जुगाड़ नहीं बनते। जैसे कोई ये कहे कि शुगर नहीं मिटेगी, उसका दिल पक्का बोलता है कि नहीं मिटेगी, तो उसके लिए दुनिया में कोई जुगाड़ नहीं है। उनको दिल ये बोलता है कि कैंसर नहीं मिटेगी, तो उनके लिए दुनिया में कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ बनाना मालिक का काम है, हमारा काम नहीं है।
क्यों जी? वो कैसा जुगाड़ बना दे उसका कोई अंदाजा क्या? वो राख की चोटी को बहाना बना दे, नहीं बना दे तो बहाने उन्हीं को मिलते हैं जो परेशानियों या बीमारियों को मिटाने की उम्मीद रखते हैं, और जो उम्मीद नहीं रखा करते उनको कोई जुगाड़ और बहाना मिल नहीं मिलता।